खबर रीवा से है। ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों ने कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान अतिथि विद्वानों ने मांग की है कि उनकी लंबी सेवा, महाविद्यालय की समय सारणी एवं भविष्य हित को ध्यान में रखते हुए 2022-23 में नियुक्त का आदेश दिया जाए। शिक्षकों ने कहा कि कई वर्षों से TRS कॉलेज रीवा में जन भागीदारी समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार वरीयता के आधार पर अतिथि विद्वान के पद पर आमंत्रित किए जाते हैं और अध्यापन एवं अन्य अकादमिक कार्यों का संपादन करते हैं। अब तक उन लोगों का महाविद्यालय प्रबंधन एवं विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार BA ऑनर्स की कक्षाएं, MA की कक्षाओं के साथ साथ स्ववित्तीय पाठ्यक्रम MPhil की कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य संपादित किए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण सत्र 2022-23 में MPhil पाठ्यक्रम का संचालन न होने के कारण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KK शर्मा द्वारा यह कहकर कि MPhil पाठ्यक्रम बंद हो गया है, इससे आप लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जबकि आवेदन पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार शिक्षकों BA, MA की कक्षाओं के साथ साथ MPhil का अध्यापन कर चुके हैं। ऐसे में प्राचार्य द्वारा यह कहना उचित एवं न्याय संगत नहीं है कि MPhil बंद होने से अतिथि विद्वानों को आमंत्रण ना हो, क्योंकि अतिथि विद्वान BA, MA की कक्षाओं में अध्यापन के साथ में MPhil का अध्यापन कार्य किया है। अतिक विद्वानों ने बताया है कि मेरिट के साथ साथ पूर्व की सेवा से संबंधित महाविद्यालय की समय सारणी, लंबी सेवा अवधि व भविष्य तथा परिवार हित को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण सत्र 2022-23 में भी लगातार आमंत्रण करने के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK शर्मा TRS कॉलेज के महाविद्यालय रीवा को निर्देशित किया जाए। आइए सुनते हैं अतिथि विद्वानों ने क्या मांग की है। उसी समय सर नए टीम भी आई थी, इतना हम लोग सब 2 महीने से हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हम लोग को सुनने के लिए गए भी हम लोग प्राचार्य पास को, मुझे सिर्फ यही बोले सर कि सर हम लोग की क्या गलती थी, क्या गुनाह थे, हम लोग को बाहर कर दिए। तो कहते सिर कटवा लो ना, सिर कटवा लें, अपनी नौकरी छुड़वा दें, पेंशन हमको नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसे बात इस तरह से अश्लीलता से बात आप समझाइए हमको। ये भी पूछे कौन सा रास्ता, कोई रास्ता बताइए सर कि हम लोग कैसे अंदर आए। तो बोले क्षेत्रीय विधायक के पास जाओ, स्पीकर के पास जाओ। जब हम लोग क्षेत्रीय विधायक के पास गए सर, उसी समय गए कि ये प्रेस पर बोल रहे हैं, तो फिर क्षेत्रीय विधायक वहाँ पर गए, फिर गिरीश गौतम के पास गए दौड़ के कि ये लोग क्षेत्रीय विधायक सबको गाली दिवा दे, कैसा कुछ भी कोई भी बात नहीं। सभी विद्वान विगत 10 वर्षों से महाविद्यालय में कार्यरत है, उनके द्वारा MPhil के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं का अध्यापन कार्य किया गया है, इसलिए MPhil बंद होने का आरोप या बात आधारहीन एवं नियमानुसार नहीं है, माने पूरी तरह से विधि विरुद्ध है। इस साफ साफ लिखा है, विगत 10 वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वानों को अचानक कार्य से पृथक किया जाना इनके परिवार के लिए भी संकट है, इनके लिए भी संकट है। अब आप लोगों से एक चीज सीधी बात है कि यदि जो व्यक्ति 10 से 15 साल से महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है और कोई कई लोग ओवर एज हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में इनके द्वारा भी इस तरह का विधि विरुद्ध और मनमाना निर्णय लिया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बड़े सीधी बात है, क्या निर्णय लिया है आपने? कौन कलेक्टर जो जन भागीदारी के अध्यक्ष हैं जी, कलेक्टर महोदय को इन्होंने एक पत्र दिया है कि ये लोग बाहर हो रहे हैं व्यवस्था से, ये MPhil पढ़ाते थे, जबकि झूठी जानकारी देके MPhil पढ़ाने भर की बात कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि BA में भी पढ़ाते थे। तो MPhil के बाद भी कलेक्टर साहब ने यह कहा कि आप एक विज्ञापन निकाल के इनको आमंत्रित कर लीजिए, यदि ये अच्छे लोग, महाविद्यालय प्रबंधन ने ये कहा कि काफी साल से काम कर रहे हैं, मेरिट में रहते थे, ये उन्होंने स्वीकारा है। तो यदि तो कलेक्टर साहब का ये मौखिक डिस्कस था कि यदि ये अतिथि विद्वान रह चुके हैं, वरिष्ठ हैं, बजट में मेरिटर हैं, तो इनको आप विज्ञापन के जरिए अंदर कर लीजिए। तो 2 महीने से प्राचार्य जी आजकल से संचालन नहीं हो रहा है, पर उसमें अध्यापन कार्य कर रहे किसी भी समिति जन भागीदारी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया गया। यह केवल मैटर पूरे मध्य प्रदेश में TRS कॉलेज में एक तानाशाही बिना सोच समझ रखने वाले डॉक्टर KK शर्मा द्वारा इस निर्णय लेके, माने मनमाना निर्णय लेके ऐसा किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है, निंदनीय है और विधि विरुद्ध है। इस तरह किसी भी तरह का ना ही उच्च शिक्षा विभाग का इसमें निर्देश प्राप्त हुआ है और ना ही किसी वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश प्राप्त हुआ है। हम सब लोग AD साहब इस इनके निर्णय के विरुद्ध या निर्णय के संबंध में अपनी व्यथा लेके AD साहब, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा संभाग रीवा, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी के पास
वहाँ के OSD डॉक्टर प्रभात पांडे जी से मिले थे, अपनी बात कहे, उन लोगों ने इस बात को समझा, हम लोगों ने अपना टाइम टेबल पेश किया कि हम लोग ऐसे टाइम टेबल कर किस किस कक्षाओं में पढ़ाते थे। हम स्वयं 2009-10 से महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और हम लोगों की नियुक्ति पहली बार आवेदन के आधार पर जन भागीदारी समिति के निर्णय के अनुसार मेरिट में होने की स्थिति में आमंत्रित किया गया। हम लोगों को कृपा के द्वारा ना ही पूर्व प्राचार्य की कृपा पर ना ही वर्तमान प्राचार्य की कृपा पर कोई आमंत्रण चाहिए। हम लोग मेरिट के आधार पर आमंत्रित होकर तब से वर्तमान समय तक अध्यापन कार्य संपादित कर रहे थे। BA और MA की कक्षाओं के साथ एकाध कक्षा हमारे साथियों को MPhil की भी मिली थी। अधिकतर कक्षाओं में, अधिकतर विषयों में MPhil की कक्षाओं का अध्यापन कार्य महाविद्यालय में पहले से कार्यरत अतिथि विद्वान जो मध्य प्रदेश सशस्त्र नियुक्त होते हैं या प्राध्यापक जो सशस्त्र नियुक्त हैं उनको, जो केवल MPhil हैं, MPhil उपाधि धारक हैं, उनको आमंत्रित कर लिया गया। हम लोग सारे लोग PhD उपाधि धारक हैं, हम लोग को आमंत्रित नहीं किया गया। इस संबंध में हमारे आपके बीच में आज जो चर्चा हो रही है कि प्राचार्य महोदय द्वारा नियम भी कुछ तरीके से किस तरह वो अपने कार्य को कर रहे हैं, इस संबंध में हम लोगों ने एक शिकायत अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा इनसे किया, तो उन्होंने एक स्पष्ट आदेश दिया, वो भी काफ़ी मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। उन्होंने स्पष्ट आदेश किया जिसने ये साफ साफ लिखा है, जिसने ये साफ साफ आप पढ़ने के लिए मिलेगा कि समय चक्र के अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि अति विद्वान 10 वर्षों से महाविद्यालय में कार्यरत हैं, उनके द्वारा MPhil के अतिरिक्त अन्य कक्षाएं पढ़ाई गई हैं, विभिन्न अकादमिक गतिविधियां की गई हैं, इसलिए MPhil बंद होने का तथ्य आधारहीन है और नियमानुसार नहीं है। 10 वर्षों से कार्यरत विद्वानों को अचानक सेवा से पृथक किया जाना विधिमान्य नहीं है, अतः इनको सेवा में पुनः रखा जाना उचित होगा। इस आदेश को भी प्राचार्य जी ने मानने से इनकार कर दिया, जो उनके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं, वो भी एडिशनल डायरेक्टर की बात को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि माननीय कलेक्टर महोदय को भी जो उन्होंने जो बताया वो गलत बताया, हमारे जो रीवा के लीडरशिप है उनको उन्होंने गलत बताया और भोपाल के उच्च अधिकारियों को भी गलत जानकारी प्रेषित कर रहे हैं। हम लोग मेरिट में हैं, पहले हम लोग का होना चाहिए, उसके बाद नीचे वाले लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। ये अगर करना है तो ये होना चाहिए, नहीं तो पूरा विज्ञापन निकलना चाहिए और उस विज्ञापन के माध्यम से जो भी मेरिट में आए उनका होना चाहिए। विज्ञापन न निकलने से हम देखते हैं कि 3 वर्षों के अंदर कहीं भी पोस्टिंग नहीं आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाइड हुए हैं, PhD क्वालिफाइड हुए हैं, तो उनको इस चीज़ से अवसर से वो वंचित रह रहे हैं। तो ये भी हमारा, हम लोग का ही दायित्व बनता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक अच्छी जगह पर जॉब करने का मौका मिलना चाहिए, तो प्राचार्य जी ने ये भी मौका छीन लिया है। ऐसा क्यों मैं बताऊं भैया, नैक का दो बार हमारे साथ निरीक्षण हुआ, नैक की टीम आई थी, उसमें वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रामविलास शुक्ल थे, उन्होंने जब नैक की एग्जिट मीटिंग हुई थी, आप सब लोगों को पता होगा, उसमें उन्होंने कहा था, नाम लेके कहा था कि हमारे टीम के लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, हम लोगों ने रात दिन एक कर करके नैक की व्यवस्था में, अकादमिक व्यवस्था में, महाविद्यालय की, अभी एक महीने पहले उन लोगों ने मई अप्रैल से सैलरी बंद कर देते हैं हम लोगों की, लेकिन बोले कि सब लोग मिलकर अपना महाविद्यालय है परीक्षा में ड्यूटी करिए और परीक्षा और एक महीने बाद जुलाई में, 1 जुलाई को सबको बुला लिया जाएगा। हम लोग सोचे ठीक है, एक महीने हमारा महाविद्यालय है, हम लोग अपने 13,000-14,000 जो छात्र छात्राएं थे प्रभावित लोग, हम लोग दो दो तीन तीन शिफ्ट में एक मीटिंग खाना खाकर उनके प्राचार्य जी के आदेशानुसार 3 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में हम लोगों ने ड्यूटी किया। इसके बाद 1 जुलाई को बुलाने के लिए कहा, 1 जुलाई को नहीं बुलाया, इसके बाद बोला 18 जुलाई को चुनाव हो जाएगा, फिर इसके बाद 18 जुलाई को बुलाएंगे, 18 जुलाई 25 जुलाई तक भी नहीं बुलाया, क्यों बोले अगस्त को बुलाएंगे, हम लोग लगे हैं आप लोगों को बुलाने के लिए। ये जब जब जाओ, अगर पर्टिकुलर उनसे जाके कोई अनुमत विनिमय किए और निवेदन किए कि सर ऐसी ऐसी बात है, अति शिक्षकों का जो नियम लागू होता है वो हम लोगों को लागू होता है, जो भोपाल से लागू हुआ है, तो आप उसी के आधार पर हम लोगों को कर लीजिए, लेकिन उनका उतने में वो भटक जाते हैं, आ जाओ किसी बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ कर लो, इस प्रकार से उनका जो कि एटीट्यूड है जो कि गलत है, उस पर संवैधानिक पोस्ट पर बैठ कर इस एटीट्यूड से उनको बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग नियुक्ति हुई थी, सर मैं